मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अभ्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इम्पोर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज़्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मज़ेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हैं सर, बढ़िया हैं, मजे में हैं, घर पे हैं। आप वीडियो पहुंचाते हैं, उसको लिखना पड़ता है, लॉकडाउन चल रहा है, बैठे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, है ना? परेशान हो गए यार आप घर पे बैठे बैठे, है ना? हम भी यहाँ परेशान हो गए फ्री बैठे बैठे, तो वीडियो ही बना रहे हैं। पढ़ो और क्या है। बनाओ, नोट्स बनाओ, करो, जिंदगी यही है, पैसे कमाना, पैसे कमाना, क्या करोगे पैसे कमा के? कोरोना ने सब पैसे खा गया, ठीक है? पैसे के पीछे मत भागो, बिठाओ कचो, समझ लो, सीख लो। पैसे 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 पैसे, क्या करोगे पैसे को? ले गए साथ में बांध के। जब से कोरोना चालू हुआ है ना, लोगों का मरना बंद हो गया है। जो आम लोग, आम मौतें होती थी ना, जनरल मौतें होती थी, रोज मरते थे, अब वो नहीं मर रहा। जितनी मर रहे सब कोरोना वाले मर रहे हैं। तो अभी वो लोग कुछ दिन पेंडिंग में है, जो लोग कोरोना से ग्रसित नहीं है। बच जाओ, मान जाओ रे, घर से बाहर मत निकलना। नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं रह जाएगा ना, पढ़ने वाला बचेगा, ठीक है? घर के अंदर बैठो, रूखी सूखी जो भी है खाओ, वो पढ़ने के लिए बैठ जाओ, नोट्स कॉपी बनाओ, नोट्स बनाओ, लिखो और क्या है, मजे करो। बाहर निकले और तुम्हारा काम कोरोना लगा तुमको, बेटा छीना मत किसी को, नहीं कोरोना खा जाएगा तुम लोगों को, ठीक है? नहीं, सब्जी जाओ लेने के लिए मार्केट, अउआ पौआ दारू वारू है। कच्ची लेने के लिए बन जाना, डंडे डंडे पड़ेंगे बेटा पुलिस के। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नाम अभ्यास सर और स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने 3 लेक्चर कंप्लीट किए थे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारे पास में चालू है लेक्चर, क्लास 12th, इन्होंने केमिस्ट्री, अभी बेसिक ही चल रहा है, लिगेंड 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 दारी कर दें, लिगेंड की लिगेंड खत्म नहीं हो रहा है अभी, ठीक है? तो इसके पहले वाली क्लास में लेक्चर नंबर 3 में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था, जिसमें हमने देखा था कि मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं, मोनोडेंटेड, 1 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। उसका नाम हमने देखा था बाइडेंटेड लिगेंड, तो बाइडेंटेड लिगेंड भी 3 प्रकार के होते थे, 1 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। फिर ट्राइडेंटेड लिगेंड, फिर हेक्साडेंटेड लिगेंड, ये सारे हमने देखे थे, जिसको हम पॉलीडेंटेड लिगेंड भी बोलते थे। तो एक बात बताएं आपको ईमानदारी, बात ये है कि जो लिगेंड है ना, इनको याद रखना जितना आसान है ना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों है यार, समझ में ही नहीं आता कौन सा किस में लिखे कौन सा नहीं लिखे। अभी तो ये ठीक है, आपको लिस्ट बना दी ना, आपको एक लिस्ट बता दी कि ये मोनोडेंटेड है, 1 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है। कुछ लिगेंड ऐसे भी आते हैं ना जो दोनों कैटेगरी में आते हैं। समझ में आ रहा है, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो डबल रोल प्ले करते हैं, लिगेंड एक होता है, 2 रोल प्ले कर रहे हैं, बाई में भी गिना जाएगा, एमबी में भी गिना जाएगा। ये कुछ लोग बाई में गिनते हैं, कुछ लोग एमबी में गिनते हैं। जैसे जैसे आपसे बोला मैंने ACN,
बोला था ना ये, कुछ लोग क्या करते हो जानते हो, यहां से इसके ऊपर लोन पे आ, इसके ऊपर लोन पे आ, ये भी देता है डोनेट करता है, ये भी डोनेट करता है, ये लो बोले चिलेड बना रहा है। कहां से चिलेड बनाएगा, चिलेड नहीं बनाएगा भाई साहब, ये क्या बनाएगा, एम्बिडेंटेड है, एक ही साइड से डोनेट करेगा ये, ठीक है, बल्कि ग्रुप है बड़ा वाला ग्रुप है इसलिए एक ही साइड से डोनेट करेगा। तो कुछ कन्फ्यूजन वाली बातें हो सकती है, हो सकती है क्या, होगी ही, कहां से हो सकती है, ठीक है। बार 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 प्रैक्टिस करना, बहुत से आईयूपीएससी नाम ढूंढना, लिखना, वहां से लिगेंड देखना उसके नाम क्या है, एक लिस्ट बनाना, तो ये डाउट क्लियर हो पाएगा। ये लिस्ट नहीं बनाए ना, लिगेंड की लिस्ट बनाओ, कौन सा एमबी में है, कौन सा बाई में है, वो सारे लिखो, उसके बाद में बात बन पाएगी, नहीं तो खल्लास है तुम्हारा काम, समझ जाओ। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फालतू बातें नहीं करते। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, लिगेंड की क्लासिफिकेशन में हमने मोनोडेंटेड पढ़ा था, यहीं से चालू कर देते हैं। पहला था हमारे पास मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड में हमने तीन टाइप के देखे थे, वन नेगेटिव चार्ज, टू नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल, है ना। एग्जाम्पल ही बताया था आपको कि जैसे हमारे पास में एक Fe है, एक दो तीन चार पाँच छः, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होता है, क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर CN, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर सिक्स होता है इसका, कहीं कहीं फाइव भी होता है इसका, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम सिक्स की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होता है। जितने बोर्ड बनाया वही कोऑर्डिनेशन नंबर है, साइनाइड 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 साइनाइड। CN क्या था आपका, CN किस में आता है, एम्बिडेंटेड में आता है, किस में आता है, एम्बिडेंटेड में आता है, लेकिन हमने बोला था इसको हम किस में लेके चलेंगे, मोनोडेंटेड में लेके चलेंगे हम, है ना, साइनाइड। CL लगा दो यहाँ, साइनाइड CL 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 CL, ये सारे क्या थे हमारे पास में, मोनोडेंटेड। चलो ठीक है, आप यहाँ H2O लगा दो, ये लो H2O 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 H2O, क्या है आपके, क्या है आपके, मोनोडेंटेड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, सिक्स, एक दो तीन चार पाँच छः, जितने बोर्ड बनाएगा कोऑर्डिनेट बोर्ड बनाएगा लिगेंड के साथ, सेंट्रल मेटल, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। समझ में आया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो क्या है सर, जितना बोर्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल लिगेंड के साथ में है, उसे क्या बोला आपने, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है, क्लियर है। मोनोडेंटेड में यही खत्म करते हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, है ही नहीं तो क्या पढ़ना है, खल्लास है वो, तो याद कर लो रे बाबा, याद कर लो, कौन कौन से थे, एच माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस सी एल माइनस आई साइनाइड माइनस थायो साइनाइड, ये सारे 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 माइनस 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 सब पढ़ डालो, समझ गए। अब हम बात करते हैं बड़े विचित्र भयानक भयानक नाम वाले की, अब हम बात करते हैं दूसरा, किसकी बात कर रहे हैं हम, बाइडेंटेड लिगेंड की, बाई डेंटेड लिगेंड, बाई डेंटेड लिगेंड की बात कर रहे हैं। देखो ये डेंटेड है या डेंटेड है उसके कंफ्यूजन में मत होना, ठीक है, कोई डेंटेड बोलता है कोई डेंटेड बोलता है। तो बाई डेंटेड लिगेंड, तो यहां हम एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर वन, वन एग्जांपल है आपका डी एम जी, इसका नाम है डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ग्लायोक्साइल, डाई मिथाइल ग्लायोक्साइम, ग्लायोक्साइम है जाइम, डाई मिथाइल ग्लायोक्साइम, ग्लायोक्साइम, ठीक है, डाई मिथाइल। देखो ये ब्रैकेट में आपको आएगा डीएमजी लिखा हुआ, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ आएगा आपका, डीएमजी लिखा हुआ आएगा ब्रैकेट में, आएगा डीएमजी। अच्छा मैं यहाँ एक बात बताता हूँ, जैसे आपने यहाँ लिखा था ना एफी, ध्यान से देखना एफी, अभी आपने क्या लिखा सीएन सिक्स लिखा, बिल्कुल लिखा, कितना बोर्ड बनाता है, एक बोर्ड बनाता है, लिख लिया एफी सीएन सिक्स लिखना पड़ेगा आपको, कितने बोर्ड बनाता है, छः बनाता है, छः लेने पड़ेंगे, एक सी एल एक बोर्ड में आता है, छह बोर्ड बनाने चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, एफी का, एफी का कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारे पास में सिक्स, क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर कितना है, सिक्स होता है, ठीक है। यदि मान लो हम H2O लें, एफी क्या लें,
H2O ले, कितने लेने पड़ेंगे आपको? 6 कंपल्सरी है, लेना ही पड़ेगा, 6 ले लिया आपने। यहां जो भी आपको लेना हो, NaCl लेना हो, जो भी लेना हो, हम कितने लेंगे वहां पर? 6 लेंगे। क्यों 6 लिया? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। अब जाए देखो मजेदार बात, हमने लिया DMG। अब ऐसे हो जाएगा कि आप यहां पर DMG लेते हो, FE के लिए आपने DMG कितना लोगे? 6। ये भी 6 लेना पड़ेगा ना, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, तो ये भी कितना होगा? 6 होगा। दिमाग स्थाई रखना। अब हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क के 6 लेंगे कि नहीं लेंगे, 6 लेंगे कि नहीं लेंगे। देखो ये है DMG फार्मूला, हमेशा आपको ये सॉरी नाम इसको हमेशा DMG ही बोलेंगे हम। यहां पर उसका फुल नाम है, वो बात एक अलग है कि डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम उसका फुल नाम है, लेकिन जब आपको बुक में मिलेगा वो ऐसे मिलेगा आपको DMG लिखा हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसका नाम क्या है। नहीं भी मालूम हो तो भी चलेगी बात, लेकिन मालूम हो अच्छी बात है, हमको हो या ना हो आपको तो होना ही चाहिए। अब ये होता क्या है, बनता कैसे है, तो ये देखो ये होता क्या, बहुत अच्छे से देखना ये क्या लिखवा रहा है। ये है हमारे पास में, ये होता है आपके पास में CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, N, ये है O और ये है आपका H, सेम यहाँ पर C, ये स्ट्रक्चर हो उसका CH3 डबल बॉन्ड N, ध्यान से देखना जरा, ये O और ये क्या है आपका H, हो गया। इसको अच्छा ऐसे लिखते हैं, डिजाइन में लिखते हैं, ये ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना लिखने में, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। अब देखो यहां ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन है, यहां ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन, हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन से लगे हुए हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, है ना, पढ़ाता हमने, याद करो सन SON से लगे हुए हाइड्रोजन कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर, एसिडिक होते हैं, एसिडिक होते हैं। यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो, ये हाइड्रोजन यहां से चला जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा जाए तो यहां से आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, क्या बचा आपका? आपका बचा CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, N यहां है आपके पास में, O और O के ऊपर कौन सा चार्ज आया आपका? माइनस चार्ज। बात समझ में आ रही है ना? नहीं आ रही। N के ऊपर O, O के ऊपर कौन सा चार्ज आया आपका? माइनस चार्ज। क्यों माइनस चार्ज आया? क्योंकि हाइड्रोजन चला गया, क्या बचा? ऑक्सीजन। नीचे क्या बचेगा आपका? नीचे बचा आपका C, ये है आपके पास में CH3, ये है आपके पास में डबल बॉन्ड N, ये है आपका O और ये है H। हमने एक ही हाइड्रोजन लेगा, दूसरा हाइड्रोजन हमने नहीं लेगा, कितना हाइड्रोजन लेगा हमने? एक हाइड्रोजन। तो यहां पर ये जो बचा हुआ है इसी को कहते हैं DMG, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम, ये है आपका DMG का फार्मूला, समझे? ये है आपका DMG का फार्मूला, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम, ठीक है। अब देखो अब बात क्या है, नोटेड पॉइंट ये है आपका कि यदि हम इस DMG को निकिल के साथ रिएक्शन कराएं, DMG की हम निकिल के साथ रिएक्शन कराएं, तो क्या होता है, निकिल के साथ रिएक्शन कराने पे ये ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। किस कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है? इस DMG की रिएक्शन, ऐसे लिखो, अब ध्यान से देखना क्या लिखा, हम लिख रहे हैं DMG निकिल के साथ में, निकिल ब्रैकेट में DMG लिख दिया हमने, ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है? ये कॉम्प्लेक्स बनाता है कैसा? ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये है आपका DMG, ये हमारे पास में निकिल DMG हो गया, निकिल DMG। बात समझ में आ रही है? क्या हो गया आपका? निकिल DMG यहां से हमारे पास में हो गया। इसको दो लिखना पड़ेगा हमको, ये दो लिख दिया है ना। अब देखो कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, बनाओ कॉम्प्लेक्स, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, यहां बना के बता दूं, चलेगी ना बात? अभी इसको लिखा रहे हैं दो जरा, अभी इस पर आएंगे दोबारा बात करेंगे। अच्छा चलो पहले इसका ही क्लियर कर देता हूं, उसके बाद में इस पर आते हैं, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। यहां हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? निकिल के साथ में DMG का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जो कैसा होता है आपका? ब्लड रेड कलर का, कैसा होता है आपका? ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हम बनाएंगे। देखो जरा Fe के साथ हमने CN लिए, कितने CN? 6। Fe के साथ CL कितना लिया? 6। Fe के साथ H2O कितना लिया? 6। Fe के साथ NH3 कितना लेंगे? 6। Fe के साथ DMG कितना लेंगे?
क्या छह लेंगे डीएमजी? नहीं, छह नहीं लेंगे डीएमजी। कितना डीएमजी लेंगे? जब डीएमजी की बात आएगी तो हमारे पास में एफी के साथ डीएमजी कितना लेंगे? तीन। अब तुम लोग सर तीन क्यों लिया? तीन इसलिए लिया क्योंकि यहां पर डीएमजी दो बोर्ड बनाता है। कितने बोर्ड बनाता है आपका? इसकी दो डोनेटिंग साइट होती है। कितनी डोनेटिंग साइट होती है आपकी? दो डोनेटिंग साइट होती है। देखो तो इस प्रकार से हमारे पास में जो एफी है, हमारे पास में जो एफ ई है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? एक दो तीन चार पांच छह बोर्ड बनाएगा। अभी भी कितने बोर्ड बनाएगा? छह। कैसे बनाएगा छह बोर्ड? देखो जरा, यहां हम डीएमजी लेंगे, डीएमजी तो एक बोर्ड। क्यों भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ना बाइडेंटेड। बाइडेंटेड मतलब दो बोर्ड बनाने वाला। बाइडेंटेड का मतलब क्या हुआ? दो बोर्ड बनाने वाला। बात समझ आ रही? बाइडेंटेड मतलब क्या हुआ? दो बोर्ड बनाने वाला। अब देखो जरा, अब ये बनाया कैसे दो बोर्ड, मैं बताता हूं आपको। दूसरा डीएमजी लेंगे हम, लिया हमने डीएमजी, बाइडेंटेड है, कितने बोर्ड बनाएगा? दो। एक और हमने डीएमजी लिया, डीएमजी कितने बोर्ड बनाएगा? दो। कितने हो गए? एक दो तीन चार पांच छह, कितने हो गए? छह। कितने डीएमजी की आवश्यकता पड़ी? तीन। यदि आप यहां छह लिख देते तो आंसर गलत हो जाता। तीन लिखा तो आंसर क्या है आपका? सही। जबकि यहां कंडीशन क्या थी? यहां कंडीशन थी हमारे पास में एफ साइनाइड कितना बोर्ड बनाता है? एक। एक दो तीन चार पांच छह। एक साइनाइड कितना बोर्ड बनाता है? एक, क्योंकि मोनोडेंटेड है। तो यहां कितना सी एन लगेगा आपका? एक सी एन, एक सी एन, एक सी एन, एक सी एन। भाई हमारे पास में एफी को कितने बोर्ड की आवश्यकता है? एफी को हमको छह बोर्ड की आवश्यकता है। कितने बोर्ड की आवश्यकता है? छह। एफी को कितने बोर्ड की आवश्यकता है? छह बोर्ड की आवश्यकता है। एक साइनाइड कितना बोर्ड बनाता है? एक बोर्ड बनाता है, एम्बिडेंटेड है। एक क्लोरीन कितना बोर्ड बनाता है? एक बोर्ड बनाता है, एम्बिडेंटेड है। एक H2O कितना बोर्ड बनाता है? एक बोर्ड बनाता है, एम्बिडेंटेड है। एक NH3 कितना बोर्ड बनाता है? एक बोर्ड बनाता है, एम्बिडेंटेड है। तो छह बोर्ड बनाने के लिए कितने की आवश्यकता है? छह की, छह की, छह की। इसलिए हमने कितना लिखा? छह लिखा। कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होता है, फिक्स होता है, फिक्स होता है, फिक्स होता है। समझ गए? अब देखो, ये डीएमजी हमने लिख लिया सिक्स तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डीएमजी किसके अंतर्गत आता है? बाइडेंटेड लिगेंड में। ये कितने अवेलेबल साइट होती है डोनेट करने की? दो। तो फ्लोरीन को कितने चाहिए? छह। तो कितने में काम बन जाएगा? तीन में। इसलिए हमने डीएमजी को कितना लिया? एक दो और तीन। एक डीएमजी दो बोर्ड बनाएगा, एक डीएमजी दो बोर्ड बनाएगा, एक डीएमजी दो बोर्ड बनाएगा। फ्लोरीन के कितने, एफी के आयरन के कितने बोर्ड हो गए? एक दो तीन चार पांच छह। यहां आयरन के कितने बोर्ड है? एफी के आयरन के कितने बोर्ड है? एक दो तीन चार पांच छह। एफी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि एक ही टाइप के लिगेंड लगे हुए हैं या डिफरेंट टाइप के लिगेंड लगे हुए, उससे कोई मतलब नहीं है। कितने बोर्ड बनाने की आवश्यकता है उसको? छह। चाहे सारे के सारे एक टाइप के जाएं, जो एक बोर्ड बनाने वाले जाएं, चाहे सारे दो बोर्ड बनाने वाले जाएं। अब यदि मान लीजिए हम ट्राइडेंटेड की बात करें, समझ में आ रही है? ट्राइडेंटेड की यदि हम बात करें तो एफी के साथ कितने की आवश्यकता पड़ेगी? दो की, क्योंकि एक दो बोर्ड बनाएगा, दूसरा दो बनाएगा, छह हो गए ना पूरे, समझ रहा हो ना? तो ये छह किस लिए लिखा हमने? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है। यहां तीन क्यों लिखा हमने? क्योंकि थ्री टू या सिक्स हो जाएगा। एक दो बोर्ड बनाएगा तो तीन कितना बनाएगा? अब देखो जरा, निकल के साथ रिएक्शन कराते हैं इसकी। किसके साथ कराते हैं? निकल के साथ। निकल डीएमजी ट्वाइस लिखा है, निकल डीएमजी ट्वाइस लिखा है। देखो ये हुआ हमारे पास में निकल, कहां गया? लिखा ही नहीं है तो कहां जाएगा? ये हुआ हमारे पास में निकल। अब हमको क्या लिखना है? हमको ये लिखना है, ये देखो, एक डीएमजी CH3 सिंगल बोन C डबल बोन N, ये हुआ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है, बहुत ध्यान से देखना। हो नीचे भी क्या लगा हुआ है? C, ये क्या है आपका? CH3, ये क्या है आपका? N, नीचे क्या है? O, और O से क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। ये देखो हो गया। दूसरा निकल को थोड़ा बीच में लिख लेते हैं, ये हो गया निकल, निकल ये। अब देखो जरा, कितने डीएमजी है? दो। कितने ले लिए? एक। कितना बचा? एक और। तो हमारे पास में ये हुआ नाइट्रोजन डबल बोन्ड, कार्बन, कार्बन डबल बोन्ड, नाइट्रोजन
ये हुआ हमारे पास में CH3, ये है हमारे पास में CH3, यहाँ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन, नीचे क्या है आपका, नहीं गलती हो गया ना, यहाँ नाइट्रोजन ऊपर क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऊपर क्या है हाइड्रोजन, यहाँ क्या है आपके पास में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है माइनस चार्ज, इसको यहीं से लिखना है हमको। अरे यार ये क्या हो गया, माइनस चार्ज यहाँ आएगा, ये ऐसा लिखना है हमको। देखो ये डीएमजी है, ऐसे हमने लिख दिया, एक उस साइड लिख दिया, एक उस साइड लिख दिया, बस अंतर इतना है कि एक को हमने पलटी करके उस साइड लिख दिया। अब ऐसा क्यों लिखा है हम बताते हैं। नाइट्रोजन को लोन पेयर है, नाइट्रोजन को लोन पेयर है, ये वाला भी निकल से बॉन्ड बनाएगा, ये देखो बनाया, ये वाला भी निकल से बॉन्ड बनाएगा, देखो ये बनाया, बना दिया। कितना लिगेंड है ये पूरा एक ही तो लिगेंड है ना, कितना लिगेंड है, लिगेंड वन है, एक ही लिगेंड है। कितनी डोनेटिंग साइट है, एक ये है और एक ये, दो डोनेटिंग साइट है, हो गया। अब देखो एक लोन पेयर यहां है, एक लोन पेयर यहां है, हो गया, इधर से ये बॉन्ड बनाएगा, इधर से ये बॉन्ड बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाए इसने, दो। हमने क्या पढ़ा, कौन सा डेंटेड है, बाइडेंटेड है, कितने बॉन्ड बनाता है, दो, दो साइड से डोनेट किया। अब अवेलेबल साइट कितनी है, अवेलेबल साइट कितनी है, एक दो, ये वाला भी कर सकता था लेकिन नहीं किया, कितना किया, दो। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, देखो इसके ऊपर माइनस है, ये हाइड्रोजन है, इन दोनों में अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन से बॉन्ड बना, देखो इन दोनों में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन से बॉन्ड बना, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये है आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है, ये है आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्ड, एक डीएमजी है, एक डीएमजी है, क्या ये कंपाउंड स्टेबल है, हाँ स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, देखो जरा कितने मेंबर रिंग हुई, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, पांच बॉन्ड, छह, एक दो तीन चार पांच छह, कितने मेंबर हुए, देखो एक दो तीन चार पांच छह, ये सिक्स मेंबर रिंग हुई, कितने मेंबर रिंग हुई, सिक्स मेंबर रिंग हुई, ये भी कितने मेंबर रिंग हुई, सिक्स मेंबर रिंग हुई, देखो एक दो तीन चार पांच और छह, फिर देखो एक दो तीन चार पांच और छह, सिक्स मेंबर रिंग हुई, ये कितने मेंबर रिंग हुई, एक दो तीन चार पांच, भाई यहां इनको काउंट नहीं करेंगे, ये वाला काउंट करेंगे, ये जिससे बॉन्ड बनने जाए, एक दो तीन चार पांच, कितने मेंबर रिंग हुई, फाइव मेंबर रिंग है, ये भी कितने मेंबर रिंग हुई, फाइव मेंबर, देखो एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन, इनको काउंट नहीं करेंगे, सीएससी काउंट नहीं करेंगे, ये स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, उसके दो रीजन है, क्योंकि जो स्टेबिलिटी होती है, ध्यान से देखना, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दो, एक तो इसको स्टेबिलिटी कहां से मिल रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, दूसरा स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होती है चिलेटिंग, चिलेटिंग से, चिलेटिंग क्या होता है, चिलेटिंग क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा साइड से जब मॉलिक्यूल डोनेट करता है सेंटर मेटल एटम को, या डोनेटिंग साइट होती है दो या दो से ज्यादा, तो इस प्रकार से बनने वाले या बनाने वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, चिलेटिंग, बात समझ आ रही, प्रोसेस क्या होती है, ये वाली जो प्रोसेस है वो क्या होती है आपकी, चिलेटिंग, और ये कंपाउंड कहलाता है चिलेटिंग एजेंट, रिएजेंट, चिलेटिंग रिएजेंट, और ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है चिलेटिंग, चिलेटिंग रिएजेंट बनाने वाला, और ये कहलाता है आपका चिलेटिंग। तो इस प्रकार से ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है ये होता है आपके पास में कॉम्प्लेक्स, एक बना है कॉम्प्लेक्स, और कैसे कलर का होता है आपका, ब्लड रेड कलर का होता है आपका, बात समझ में आई। तो यहां पर निकल ने कितने, अब यहां हम बोले निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, चार, कितना हुआ, चार, निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर कितना हुआ, चार, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर चार, कितने बॉन्ड बनाए, एक दो तीन चार, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, चार। यदि मान लीजिए यहां हम डीएमजी नहीं लिखते, यहां हम निकल को लिखते साइनाइड के साथ, तो ये हुआ आपका निकल, ब्रैकेट में सीएन, अब बताओ तो जरा कितने साइनाइड की आवश्यकता पड़ेगी, चार, कितने साइनाइड की आवश्यकता पड़ेगी, चार, क्यों चार साइनाइड की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है निकल का चार, जैसे एफी का कितना था, एफी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, सिक्स, उस प्रकार से निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आपका, चार। अब ये बातें आपको याद करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हमको ये बातें याद हो जाएगी, इसलिए यहां पर हमने
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका? चार। इसलिए यहां पर हमने कितने साइनाइड यूज किए? चार। क्यों? क्योंकि एक साइनाइड एक बोन बनाता है, तो चार साइनाइड चार बोन बनाएगा। जब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, निकल की, तो एक सी एन, दो सी एन, तीन सी एन और चार सी एन लगेंगे। भाई चार बोन हो गए, देखो यहां भी कितने हैं, एक दो तीन चार। निकल को इससे कोई मतलब नहीं, निकल कितना बोन बनाएगा? चार बोन बनाएगा। यदि हम सी एल यूज कर रहे हैं, वो सी एन, अच्छा है, कहीं सी एन कहीं सी एल यूज किया हमने, सी एन साइनाइड की बात हो रही है ना, साइनाइड। अब यदि हम सी एल की बात करें तो भी कितने लगेंगे? चार। एक सी एल, दो सी एल, तीन सी एल, चार सी एल। यदि हम एच टू ओ की बात करें तो H2O, कितने लगेंगे? चार। क्योंकि कितना बोर्ड बनाता है? एक। बात सही में आ रही है? DMG का फार्मूला किससे बना? मैंने लिख दिया, क्यों बना? हाइड्रोजन होता है आपका एसिडिक, निकल गया, कोई एक निकालना है, बनने वाला कंपाउंड कहलाएगा आपका चिलेटिंग, बनने वाला कंपाउंड कहलाएगा आपका डीएमजी, और ये है आपका चिलेटिंग का फॉर्मेशन करता है। निकल जो होता है चिलेटिंग के साथ में, ये कहेंगे डीएमजी के साथ में निकल ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। लिख लिया, ये बात सही में आई। एफी साइनाइड 6 क्यों लिया, सीएल 6 क्यों लिया, H2O 6 क्यों लिया, डीएमजी 6 क्यों नहीं लिया? ये डीएमजी हम 6 ले लेते कितने बॉन्ड हो जाते हैं? 12। तो एफी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहां पर? कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर कितना है? 12 हो जाता, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। यहां कितना है? 12। इसलिए हम 6 नहीं ले सकते, इसलिए हमने बोला बाइडेंटेड, मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड। आपको याद रखना है, पता चला कि आपको 6 बोन बनाने हैं, उठा के आपने यहां 6 दे दिया, आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये बातें याद होनी चाहिए, बाइडेंटेड और मोनोडेंटेड। इसलिए इसके 2-3 लेक्चर मैंने पढ़ा दिए बेसिक, ये चौथा लेक्चर है। चलो इतना लिख लो, उसके बाद में और कराते हैं इसके एग्जाम्पल। अब लिखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। ये भी नाम में ही लिखाएगा शॉर्टकट में, बी आई पी वाई। ये क्या होता है? ये होता है आपका, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका बाई पाइरिडाइन, पाइरिडाइन इन नहीं है, पाइरिडाइन बाय प्रीडिंग है ना। अब प्रोनाउंसिएशन देख लेना क्या है आप अपने हिसाब से, डजेंट मैटर। BIPY ये भी ऐसा ही मिलेगा जैसे आपको मिला एफी CN6। तो यहां ये ऐसा मिलेगा आपको FeBIPY, नाम नहीं मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा BIPY। अब बात ये है कि ये कितने बोन बनाएगा? 6 बनाएगा। ये सही है कि गलत है? दिमाग लगाओ। आपने बोल दिया होगा सर ये तो गलत है, क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन मार्क बनाया है, पिछली बार भी आपने क्वेश्चन मार्क बनाया था, वो भी गलत निकला, ये भी गलत निकलेगा ना। कौन सा लिगेंड है आपका? बाइडेंटेड। कितना बनाएगा? 2 बोन बनाएगा। ये कौन सा है? मोनोडेंटेड। तो ये तो सही है लेकिन ये गलत है। सही क्या होगा? सही होगा FeBIPY, कितना आएगा? 3। ये सही होगा क्योंकि कितना बोन बनाएगा आपका? 2। देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर इसका होता है, बहुत प्यारा ही स्ट्रक्चर है ये, देखो ये कुछ याद दिलाएगा आपको ओरिजिन की। आई याद? नहीं आई। तेरी याद ना आए हमें, नहीं नहीं गाना नहीं गाते। ये लो बन गया ना, बन गया, ये बन गया, ठीक है। यहां इसके पास लोन पे आ रहा है, 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 ये सही में आ रहे हैं ना बबुआ? ओ बबुआ सही में आ रहा है? नहीं आ रहा सर। ये देखो बन गया ना, देखो ये इसका होता है बाई पेरिडाइन, लिख लिया। अब यहां मेटल आया आपका, कोई सेंट्रल मेटल आया, डी ब्लॉक का रहेगा ये, किस ब्लॉक का? डी ब्लॉक का। सेंट्रल मेटल की बात हो रही है, एम लिख रहा है मतलब मेटल की बात हो रही है। यहां से ये इसको डोनेट करेगा, यहां से ये डोनेट करेगा, कितने बॉन्ड बनाया? अरे इसने 2 बॉन्ड बनाया। कितने बॉन्ड बनाया इसने? 2 बॉन्ड बनाया। तो इस प्रकार से हमारे पास में, यदि हम निकल के साथ इसकी बात करें या किसी के भी साथ बात करें, तो निकल कितने बॉन्ड बनाता है? 6। ध्यान से देखो रे भाई, ध्यान से देखो रे, ये निकल यहां बना देता हूं, निकल कितना बोन बनाता है? 6। नहीं रे 4 बनाता है, 6 कहां बनाता है, किसके गधे ने बोला 6? ये लो निकल CL4, 4 लगा दो। निकल साइनाइड या H2O
कितने? 4, 4 लगा दो। लेकिन यदि हम इसकी बात करें निकिल BIPY की, कितने लगाएगा? 4। गलत, क्यों? एक ने कितने बोर्ड बनाया? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर एक का कितना है? 2। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखता है ये अपने पास? ये अकेला अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है 2। ये कितने कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है? ये कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है 1। ये भी कितना रखता है? 1। ये भी 1। ये 2, ये 2, समझ रहा हो ना? ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखता है? 2। तो कितने चाहिए? 4। कितना लगेगा यहां? 2 लगेगा। अब है सही, 2। यहां कितने लगेंगे? ये आपके 2, तो कितने हो जाएंगे? 4। अब यहां निकलेगा कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहां 4 लिए जब जाकर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, यहां 4 लिए जब जाकर 4 हुआ, लेकिन यहां 2 लिए इतने में कितना हो गया? 4। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखता है आपका? बाइडेंटेड है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, ट्राइडेंटेड है कोऑर्डिनेशन नंबर 3, हेक्साडेंटेड है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब यदि मान लो, सपोज करो भाई इसके साथ एफी के साथ, चलो बात की बात करेंगे, EDTA ले लूं तो कितना लगेगा? एक EDTA, क्योंकि वो अपने आप में 6 बोर्ड बनाता है। समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर दूसरा, एग्जाम्पल नंबर दूसरा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर तीसरा, इसको यहीं से बंद कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, हाइड्राजीन की बात करते हैं। किसकी? हाइड्राजीन की बात करते हैं। ये हाइड्राजीन क्या होता है? बहुत पढ़ा है अपन ने, NH2, ऐसे लिखे इसको, NH2, ये हाइड्रोजन कहलाता है। नाइट्रोजन NH2 जुड़ा होता है, हाइड्रोजन कहलाता है। देखो कितने, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, दोनों कैपेबल है किसी भी सेंट्रल मेटल को। ये है आपके पास में हाइड्रोजन। अच्छा ये बताओ, ये कितने मेंबर रिंग हुई? 5 मेंबर रिंग हुई। कैसे? एक तो यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ से चालू, ये मेटल है, किससे बोर्ड बनाया? मेटल से। 1, 2, 3, 4, 5, कितने मेंबर रिंग हुई? 5 मेंबर रिंग हुई। ये कितने मेंबर रिंग हुई? 3। देखो 1, 2 और 3, कितने मेंबर रिंग हुई? 3 मेंबर रिंग हुई। ये कैसी आपकी? स्टेबल। ये कैसी आपकी? अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? देखो भाई, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 6 मेंबर रिंग। हमने याद है रिंग एक्सपेंशन किया था, क्या किया था हमने? रिंग एक्सपेंशन किया था। तो रिंग एक्सपेंशन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा था? रिंग एक्सपेंशन में सबसे ज्यादा जो स्टेबल था वो था 5 वाली रिंग। कितने बनती थी? 6 में। 5 वाली कितने बनती थी? 6 में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता था हमारे पास में? सबसे ज्यादा स्टेबल होता था हमारे पास में 6 वाला। लेकिन 6 वाले के बाद में कौन होता है हमारे पास में? कौन होता है हमारे पास में? 6 वाला ज्यादा स्टेबल। उसके बाद में 7 मेंबर रिंग यदि कोई बनाएगा तो उसका नंबर आएगा। उसके बाद में 5 मेंबर रिंग कोई बनाएगा तो उसका नंबर आएगा। फिर 4 मेंबर वाली रिंग का नंबर आएगा। ये है स्टेबिलिटी। और सबसे कम कौन सा होता है आपका? 3 मेंबर, है ना। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? 6 मेंबर रिंग। कौन सी होती है? ये बनी हुई है आपके आंखों के सामने, सबसे ज्यादा स्टेबल है 6 मेंबर रिंग। उसके बाद में फिर 7 मेंबर रिंग, उसके बाद में फिर 5 मेंबर रिंग, और ये दोनों हमारे पास में अनस्टेबल कैटेगरी में आता है। ये फिर भी स्टेबल आ जाता है। ये तीनों कैसे जाती है? फिर भी स्टेबल, स्टेबल। ये दोनों अनस्टेबल। ये कितने मेंबर रिंग है? 3 मेंबर रिंग है। ये कैसा है आपका? अनस्टेबल है। इसलिए ये बहुत कम हम इनको यूज करते हैं, ये बहुत कम यूज होती है। क्यों? क्योंकि ये कितने मेंबर रिंग बना रही है हमारे पास में? 3 मेंबर रिंग बना रही है। हाँ, कंपेरिजन की बात करें कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेरिजन में, क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है, ये 3 मेंबर रिंग का करता है। ये कंपेरिजन पूछ ले, ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल, नीचे वाला लेस स्टेबल है। बात सही में आई? आई सर, आई। कितनी दूर तक आई? पूरी सही में आई? आई। अब बात करते हैं दूसरी, किसकी? मिटा दूं इसको। देखो हम बात करते हैं EN की। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था? तीसरा, EN। एक तीसरा, चौथा, EN। EN किस में आता है? किस में आता है EN? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, किस में आता है? बाइडेंटेड न्यूट्रल में। बाइडेंटेड
न्यूट्रल में आता है ईएन। ईएन का पूरा फॉर्म नाम क्या है? इथाइलीन, इथाइलीन डाई अमाइन। क्या नाम है? इथाइलीन डाई अमाइन। लिखो जल्दी से, इथाइलीन, इथाइलीन। ये वो वाला ईन नहीं है, एनीन आइन, अल्केन अल्कीन अल्काइन, है ना। इसका नाम इथाइलीन डाई एमाइन। ईएन का फुल फॉर्म है आपका, ठीक है। शॉर्टकट में ईएन मिलेगा, कभी भी आपको एफी मिला ना तो एफी ऐसा मिलेगा, कैसे? एफी ईएन सिक्स। अब बताओ ये क्या सही है? क्या ये सही है? नहीं है, गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एफी कितना बॉन्ड में होता है? कोऑर्डिनेशन में कितना है एफी का? कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर सिक्स। और ईएन किस में आता है? बाइडेंटेड में। अभी पता चल जाएगा, धीरे रख लो। तो यहां पर कितने ईएन लगेंगे बताओ जरा? एफी में कितने लगेंगे? छह है तो बोलो 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 कितने लगेंगे? अरे दो लगेंगे रे भाई, तीन लगेंगे रे भाई, तीन। छह नहीं आएगा, कितना आएगा? तीन। देखो कैसे आएगा, यह है हमारे पास में सी एच टू, यह है हमारे पास में सी एच टू, यह है हमारे पास में एन एच टू, यह है हमारे पास में एन एच टू, यही है आपका ई एन, इथाइलीन डाइअमाइन। मैंने फिर बोला कि इसको ईन मत मानना सर, ईन इथाइलीन, इसका नाम इथाइलीन है, अल्केन अल्कीन अल्काइन वाला ईन नहीं है, डबल बोर्ड है सर, ईन नहीं है, डबल बोर्ड है। आप इस ईन को मत देखना, इथाइल प्लस ईन, वो नहीं, इथाइलीन इसका नाम है। इसका नाम पूरा क्या है? इथाइलीन डाई अमाइन। डाई मतलब दो, अमाइन एन एच टू, अमाइन होता है, मेथ एथ इथाइलीन डाई अमाइन, दो 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 डाई अमाइन। बात समझ में आई? अब देखो इसके ऊपर क्या है? लोन पेयर। इसके ऊपर क्या है? लोन पेयर। यहां से देगा, यहां से देगा, किसको? सेंट्रल मेटल को, बन जाएगा। ये चिलेटिंग फॉर्मेशन है, कौन सी फॉर्मेशन है? चिलेटिंग फॉर्मेशन। ये भी चिलेट फॉर्मेशन किया, ये भी चिलेट फॉर्मेशन किया, ये भी चिलेट फॉर्मेशन किया, एक और बच्चा था वो भी चिलेट फॉर्मेशन है, उसमें भी हम लिख देते हैं। एग्जाम्पल नंबर फाइव, ये बात सही में आ रही ना? कितने बॉन्ड बनाया इसने? दो। कितने बनाया? दो। अब यदि हम बात करें निकल की, ध्यान से देखना, अब यदि हम बात करें निकल की, निकल के साथ यदि हम यहां ये ले लें, क्या ले लें? एन आई ई एन, कितना लेना पड़ेगा? चार। निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? चार। ई एन की कितनी की आवश्यकता है? दो की, क्योंकि एक ई एन कितना कोऑर्डिनेट बोर्ड बनाएगा? दो बनाने में सक्षम है, तो यहां हम दो ले लेंगे ना, तो हमारे पास में आंसर सही हो जाएगा। चार ले लिए तो आंसर गलत हो जाएगा, क्यों? निकल की औकात ही नहीं है कि चार से ज्यादा बनाए, निकल चार बनाएगा, आपने बनवा दिए आठ, गलत हो जाएगा। एक दो बनाएगा, दो चार, अब सही है, इसके पहले चार था वो गलत था। बात समझ में आ रही है? कितना हो गया हमारे पास में? चार। अब आता है हमारे पास पांचवा, ओ एक्स माइनस, ओ एक्स माइनस, इसको मिटा दूं ना, लिख लिया होगा, ऑक्सेलेट आयन, ओ एक्स माइनस, क्या आएगा आपका? ऑक्सेलेट आयन, ऑक्सेलेट आयन। कैसे बनेगा भाई ये, कैसा होता है, यही बता देता हूं मैं आपको। देखो क्या यहां ओ एक्स, ये हमेशा ऐसे मिलेगा देखने के लिए, कैसे? जैसे यहां आपके पास है एफी सी एन सिक्स मिला ना, ये ऐसा मिलेगा आपको, एफी ओ एक्स माइनस, हमेशा ऐसा मिलेगा आपको। अब कितना बनाएगा ये बोर्ड, कितना बोर्ड बनाता है? ओ एक्स माइनस मिलेगा। अच्छा इसको हमने लिखा भी था, याद करो, सी टू ओ फोर माइनस टू, याद है? ओके, ऐसा भी कभी कभी मिल सकता है ये आपको लिखा हुआ, एफी सी टू ओ फोर माइनस टू। कितने की आवश्यकता पड़ेगी? छह बनाता है तो छह लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्यों? जब बनाओ इसके स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ, इसको माइनस चार्ज, इसको ये हो गया, देखो सी टू ओ फोर माइनस टू हो गया ना, सी टू एक दो तीन चार दो हो गया। ये वाला किसको देगा? मेटल को। ये वाला भी किसको देगा? मेटल को। ये बन गया आपको, ये है आपका। कितने बोर्ड बनाने में सक्षम है? दो बोर्ड बनाने में सक्षम है। ये भी चिलेटिंग, ये भी क्या है आपका? चिलेटिंग। समझ गए ना?
तो ये हमारे पास कितना बोर्ड बनाएगा, कितने इसको रखेगा, ओ एक्स को कितने को रखेगा, ये रखेगा हमारे पास में तीन ओ एक्स को, कितने का रखेगा तीन को, तो हो जाएंगे थ्री टू या सिक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर सिक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर सिक्स, बात समझ आई। तो ये तो हमने बात कर ली, किसकी बात कर ली, बाई की, किसकी बात कर ली हमने, हमने कर ली ये बाईडेंटेट की बात। अब हम बात करते हैं ट्राइडेंटेट की, अब हम बात करते हैं ट्राइडेंटेट की, ठीक है। चलो ट्राइडेंटेड तीसरा टाइप है अपना ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड। एग्जांपल, प्यारा सा एग्जांपल है, पहला डाई इन, डाई इन इसका पूरा फॉर्म है डाई इथाइल, इसका पूरा नाम है, नाम लिखो इसको। अच्छा ये कैसे देखने के मिलेगा, ये वैसे मिलेगा जैसे यहां ए पी कैसा मिला था सी एल सिक्स, ए पी कैसा मिला था सी एन सिक्स, ए पी कैसा मिला था एच टू ओ सिक्स, है ना। ये कैसे मिलेगा, ये मिलेगा आपको एफ ई, एफ ई क्या मिलेगा डाई इन, कितना कितना क्या सिक्स मिलेगा, क्या सिक्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं ट्राई। अच्छा ये बताओ एफ ई डाई इन कितना थ्री, और एफ ई डाई इन कितना टू, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, इनमें से कौन सा सही होगा, डाई इन सिक्स डाई इन थ्री डाई इन टू, बताओ कौन सा सही होगा। इसका नाम क्या है डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन ये इसका नाम है, बताइए इनमें से सही कौन सा होगा, एक दो तीन स्ट्रक्चर बना देते हैं। स्ट्रक्चर देखो, जो नाम है उसमें बनाना डाई इथाइल बनाना है ट्राई अमाइन बनाना है, डाई इथाइलिन बनाना है ट्राई अमाइन बनाना है, देखो कैसे बनेगा NH2 CH2, दूसरे पेन से लिखता हूं CH2 CH2 NH2 CH2 CH2, ये हो गया और यहां आ जाएगा आपका NH2, ये है फार्मूला। ये देखो ये क्या है इथाइलिन, क्या है इथाइलिन, कितने हैं दो, इसलिए डाई इथाइलिन। ये क्या है अमाइन, कितने हैं एक दो तीन, कितने हैं तीन, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, ये है इसका फार्मूला। अब ये क्या करेगा, ये वाला डोनेट करेगा किसको मेटल को, ये वाला डोनेट करेगा किसको मेटल को, ये भी डोनेट करेगा किसको मेटल को, इस प्रकार से बनता है ये। कितने बोर्ड बनाए इसने, तीन कोऑर्डिनेट बनाने की कैपेसिटी है इसमें, क्षमता है, कितने बोर्ड बनाने की तीन, इसलिए इसका नाम क्या है ट्राइडेंटेड लिगेंड। हमने पहले ही बताया था कि एक ऐसा लिगेंड होगा जो तीन साइड से अप्रोच करेगा किसको मेटल को, कोरोना, करोना, बन गई बात, समझ गए। तो अब यहां तीन में से बताओ कौन सा सही है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला सही होगा। अब यहां पर हमने दो लिखा है ये सही है, तीन लिख देते गलत हो जाता क्योंकि एक दो बोर्ड बनाएगा, देखो कितने की आवश्यकता है छह की, तो बस एक और एक को ले लो, मान लो यहां हमने एफ ही लिख दिया, ये लो ये एफ ही लिख दिया, तो एक तो ये ले लिया आपने इसको, भाई आपने ये लिखा ना इसको हम लिख रहे हैं, एक ऐसा लिख दिया, दूसरा कैसे लिख दिया, दूसरा नीचे और लिख दो यही कहिए दोबारा, तो तीन बोर्ड बन जाएंगे, फिर ये बनाएगा ऐसा 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 बनाएगा NH2 NH2 NH2, ये पूरा लिख दो, समझ गए ना कितने लगाएंगे आपके दो, आगे बात समझ नहीं आई। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, इसी में यदि
लिख लिया होगा, समझ गए समझ गए, इंटेलिजेंट हो आप सभी। तो देखो बच्चों, जैसे हम यहां लिखते हैं सीओ, अब एक और नोट लगवाए दे रहे हैं आपको लगे यार, यहां लिख दो सीओ, कोबाल्ट वाला सीओ सेंट्रल मेटल का, ऐसा है ये ऐसा है, दो सीओ ब्रेकेट, ये है डाइईन, कितना है दो, क्योंकि ये भी कितना बोर्ड में आता है छह, सीओ भी कितना रखता है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर सिक्स रखता है ये भी, है ना। अब देखो जरा कितने लगेंगे, एक एनएच टू, एक एनएच टू और एक एनएच टू, एक हो गया, दूसरा एनएच टू, एनएच टू, एनएच टू, तीसरा हो गया। अब देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, ये दो, ये देखो एक कार्बन, दो कार्बन, ये देखो एक कार्बन, दो कार्बन, हो गया। इसने यहां से डोनेट किया, इसने यहां से डोनेट किया, इसने यहां से डोनेट किया, ये वाला नाइट्रोजन यहां से डोनेट करेगा, ये वाला नाइट्रोजन यहां से डोनेट करेगा, ये वाला, कितने बॉन्ड बनाए, छह बनाए कि नहीं, ये किसने डोनेट किया, नाइट्रोजन ने, कितने नाइट्रोजन ने, किसने नाइट्रोजन ने, किसने नाइट्रोजन ने, किसने नाइट्रोजन ने, किसने नाइट्रोजन ने, बात समझ में आ रही है, डोनेट किया। ये क्या है, ये सी एच टू है, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, समझ रहे हो ना, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, ये है आपका पूरा नाटक। अब जरा एक नोट लगाओ, जरा नोट, नोट लगाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना इसका, एक दो तीन चार पांच छह, छह, इफ यदि कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर सिक्स तो वो कैसा होगा, वो होगा आपका ओक्टा हेड्रल, ओक्टा हेड्रल ही होगा कि नहीं होगा, देखो कोऑर्डिनेशन में जिससे सिक्स होता है वो कैसा होता है, ओक्टा हेड्रल। इफ यदि, पहला नोट हो गया, दूसरा नोट लगाओ, इफ यदि कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर चार, किसी के कोऑर्डिनेशन नंबर चार आए तो क्या होगा वो आपका टेक्ट्रा हेड्रल, टेक्ट्रा, ये वाली बात याद रखना। इसके लिए ये हुआ कि हमारे पास में मेटल सीओ यदि ट्राइडेंटेड लिगेंड के साथ लगा हुआ है तो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ओक्टा हेड्रल स्ट्रक्चर। आ गए ना आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से उड़ के कहां कहां आ गए, केमिकल बॉन्डिंग पे, यूनिट नंबर चार, क्लास इलेवेंथ। अब पूछेगा बताइए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो पूछेगा ना बताइए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अब बनाते रहो केमिकल बॉन्डिंग से, आंसर आने वाले क्या, नहीं आने वाला, आंसर कहां से आएगा, अरे यहां से आंसर आएगा, ये जो आ गया देखो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स कैसा है आपका ऑक्टेटल, वो ऐसे ही पूछेगा, बिल्कुल क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, समझ गए। तो ये हुआ हमारे पास में ट्राइडेंटेड लिगेंड की बात, अब हम बात करते हैं हेक्साडेंटेड की, चलो इसको मिटा दे, उसके बाद में फिर लिखते हैं हम, लिख लो। तो अब एक बचा है आखिरी, उसको और देख लेते हैं, जिसका नाम है हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड को हम देख लेते हैं, इसका एग्जांपल कौन सा है, इसका एग्जांपल है हमारे पास में EDTA, एग्जांपल EDTA माइनस फोर, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम इथाइलीन, इथाइलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ये इसका नाम है इथाइलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इसका फार्मूला कैसा होता है, इसका फार्मूला है आपके पास में सी एच टू, ये हो जाएगा हमारे पास में सी एच टू, ये हो जाएगा हमारे पास में सी एच टू, और ये है हमारे पास में N, और N से लगे हुए हैं हमारे पास में दो सी एच टू सी डबल ओ एच, यहां भी सी एच टू सी डबल ओ एच, सी एच टू सी डबल ओ एच और सी एच टू सी डबल ओ एच, ये है हमारे पास में, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारे पास में, ये है आपके पास में ई डी टी ए का फार्मूला, ई डी टी ए, लेकिन इसकी पावर कैसी है आपकी, जीरो, इसकी पावर क्या है आपकी, जीरो।
यदि मान लीजिए इसमें से, अच्छा ये बताओ, यहां कुछ हम नोटेड पॉइंट लिखवाते जाते हैं। पहला, यदि EDTA की पावर हम जीरो रखें, मतलब कोई चार्ज नहीं है, यहां देखो चार्ज कितनी है यहां पर, जीरो, यहां चार्ज क्या है, देखो कोई चार्ज है क्या इसमें, इसमें कोई चार्ज दिखा कि माइनस चार्ज, कोई नहीं दिखा, इसका चार्ज की पावर कितनी है आपकी, जीरो। तो यहां EDTA जीरो यदि है, अभी ये कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, बताओ देखो ये हमारे पास में है नाइट्रोजन, ये हमारे पास में नाइट्रोजन, तो यहां से डोनेट करेगा, यहां से ये भी लोन पे डोनेट कर सकता है। तो यदि आपके पास EDTA जीरो है तो ये कहलाएगा आपका बाइडेंटेड, ये कहलाएगा आपका बाइडेंटेड। अब यदि मान लीजिए इसमें से एक हाइड्रोजन आप कम कर दो, क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा हुआ है, एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा, क्या बचेगा आपके पास में, आपके पास हो जाएगा CH2, ये N, ये हो जाएगा आपके पास में CH2 CO- यहां से CH2 CO- CH2 CO-। अच्छा एक काम करते हैं, इसको भी ऐसे लिखा देना है, दो यहां H लिखो, लिख लिया। अब देखो यहां EDTA का पावर जीरो था, अब यदि यहां से मान लो एक हाइड्रोजन निकालते हैं, EDTA एक हाइड्रोजन निकालते हैं, तो एक माइनस चार्ज ये आएगा, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो, ये आया माइनस चार्ज, ठीक है। तो अब यदि मान लीजिए हमने एक हाइड्रोजन निकाला, माइनस चार्ज आया, तो कितने डोनेट साइट है, तो दो तो ये ऑलरेडी है ही इसकी डोनेटिंग साइट, एक ये भी हो गया लोन पेयर है, तो ये भी डोनेट करेगा, डोनेट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो अब हमारे पास में ये बाइडेंटेड से क्या हुआ, ट्राइडेंटेड, एक दो और तीन। तो यदि हमारे पास में EDTA माइनस वन आए, तो ये कौन सा हो जाएगा, ट्राइडेंटेड बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे आप, ट्राइडेंटेड, बात समझ में आ रही, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, ट्राइडेंटेड। अब देखो, अब यदि मान लीजिए यहां से एक हाइड्रोजन और निकाल दिया जाए, दो हाइड्रोजन हो जाए, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकालो, चार्ज आएगा माइनस, ये आया माइनस चार्ज, कितना डेंटेड है। अब ये वाला क्या करेगा, लोन पे डोनेट करेगा, तो एक दो तीन चार, चार चार साइट हो गई। अब यहां क्या लिखेंगे, माइनस वन की जगह माइनस टू। तो यदि मान लीजिए हमारे पास में EDTA माइनस टू आए, तो क्या बनेगा हमारे पास में, हमारे पास बनेगा टेट्रा डेंटेड, क्या रहेगा हमारे पास में, टेट्रा डेंटेड, बस समझ आ रही है। अब यदि मान लीजिए यहां से एक हाइड्रोजन और निकाल दे, ये लो हाइड्रोजन निकाल दिया, एक और माइनस आएगा, ये भी डोनेट करेगा, तीन और दो पांच, अब यहां पर चार्ज कितना आया, माइनस थ्री। तो अब यदि मान लीजिए हमारे पास में EDTA माइनस थ्री हो, तो हम क्या बोलेंगे, पेंटा डेंटेड, बात समझ में आ रही है। अब यदि मान लीजिए यहां से एक हाइड्रोजन और निकाल लें, माइनस चार्ज आएगा, ये चार के चार हाइड्रोजन आपने निकाल दिए, तो चार्ज कितना है, माइनस फोर, बहुत ध्यान से देखो चार्ज कितना है, माइनस फोर, EDTA के ऊपर चार्ज है माइनस फोर, कितनी साइड हो गई आपके, देखो एक यहां से भी जाएगा, चार और दो छह। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे EDTA के ऊपर माइनस फोर की पावर है, तो हम क्या बोलेंगे, हेक्सा डेंटेड। अब शायद आपको समझ में आया होगा, समझ गए ना, ये EDTA है, हाइड्रोजन निकालते गए। तो इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आई है, क्या ये एक फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसको आल्सो कॉल्ड, इसको EDTA को हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सी डेंटेड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको फ्लेक्सी डेंटेड भी बोला जाता है, बात समझ आ रही है, इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, फ्लेक्सी डेंटेड भी बोला जाता है। अच्छा इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दूसरा फार्मूला आपको बुक में ऐसे भी मिलेगा, ये देखने के लिए मिले, कैसे मिलेगा आपका, तो ये तो है हमारे पास CH2 COO- CH2, ये हुआ नाइट्रोजन, ये हुआ CH2 COO-, ये हुआ CH2, ये हुआ आपका CH2 N CH2 CO- CH2 CO-, हो गया। अब देखो तो ये हमारे पास में इस प्रकार से हमारे पास में ये EDTA का फार्मूला आपको बुक में मिल सकता है। ये भी क्या है आपका, ये है आपके पास में EDTA माइनस फोर ही लिखना है, एक दो तीन चार, चार साइड ये हो गई, और दो अवेलेबल साइड कौन सी है, एक ये है और एक ये है, यहां से भी ये डोनेट करेगा लोन पेयर, तो डोनेट रखेगा, तो टोटल हमारे पास में कितनी हो गई, सिक्स। तो ये है आपका इथाइलिन, दो है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, एक दो तीन चार एसिटेट, समझ गए बिल्कुल, नाम देखो ये हुआ इथाइलिन NH2 अमाइन बोलते हैं, तो ये इथाइलिन डायमाइन टेट्रा चार एसिटेट, तो
टेट्रा इसके लिए टेट्रा लगाया है, एक दो तीन और चार के लिए टेट्रा लगा हुआ है। डाई किसके लिए लगा है? दो नाइट्रोजन, इसलिए डाई लगा है। और आपका इथाइलिन किसके लिए लगा है? इसके लिए लगा है। तो ये हमारे पास में लेक्चर कंप्लीट हुआ, पूरा लिगेंड की जो क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है नोमेनक्लेचर, लेकिन नोमेनक्लेचर के पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको और करना है। तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर।
तो अब एक बचा है आखिरी, उसको और देख लेते हैं, जिसका नाम है हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड को हम देख लेते हैं, इसका एग्जांपल कौन सा है? इसका एग्जांपल है हमारे पास में EDTA, एग्जांपल EDTA माइनस 4, ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, अब इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम इथाइलीन, इथाइलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ये इसका नाम है इथाइलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इसका फार्मूला कैसा होता है? इसका फार्मूला है आपके पास में CH2, ये हो जाएगा हमारे पास में CH2, ये हो जाएगा हमारे पास में CH2, और ये है हमारे पास में N, और N से लगे हुए हैं हमारे पास में दो CH2 COOH, यहां भी CH2 COOH, CH2 COOH और CH2 COOH, ये है हमारे पास में। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारे पास में, ये है आपके पास में EDTA का फार्मूला, EDTA, लेकिन इसकी पावर कैसी है आपकी? जीरो। इसकी पावर क्या है आपकी? जीरो। यदि मान लीजिए इसमें से, अच्छा ये बताओ, यहां कुछ हम नोटेड पॉइंट लिखवाते जाते हैं। पहला, यदि EDTA की पावर हम जीरो रखें, मतलब कोई चार्ज नहीं है, यहां देखो चार्ज कितनी है यहां पर? जीरो। यहां चार्ज क्या है? देखो कोई चार्ज है क्या इसमें? इसमें कोई चार्ज दिखा कि माइनस चार्ज? कोई नहीं दिखा। इसका चार्ज की पावर कितनी है आपकी? जीरो। तो यहां EDTA जीरो यदि है, अभी ये कौन सा डोनेटेड हुआ बताओ? देखो ये हमारे पास में है नाइट्रोजन, ये हमारे पास में नाइट्रोजन, तो यहां से डोनेट करेगा, यहां से ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो यदि आपके पास EDTA जीरो है तो ये कहलाएगा आपका बाइडेंटेड, ये कहलाएगा आपका बाइडेंटेड। अब यदि मान लीजिए इसमें से एक हाइड्रोजन आप कम कर दो, क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा हुआ है, एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा, क्या बचेगा आपके पास में? आपके पास हो जाएगा CH2, ये N, ये हो जाएगा आपके पास में CH2 COO- यहां से CH2 COO- CH2 COO-। अच्छा एक काम करते हैं, इसको भी ऐसे लिखा देना दो, यहां H लिखो, H लिखो, H लिखो, लिख लिया। अब देखो यहां EDTA का पावर जीरो था, अब यदि यहां से मान लो एक हाइड्रोजन निकालते हैं, EDTA एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो एक माइनस चार्ज आएगा, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो, ये आया माइनस चार्ज। ठीक है, तो अब यदि मान लीजिए हमने एक हाइड्रोजन निकाला, माइनस चार्ज आया, तो कितने डोनेटिंग साइट है? तो दो तो ये ऑलरेडी है ही इसकी डोनेटिंग साइट, एक ये भी हो गया लोन पेयर है, तो ये भी डोनेट करेगा, डोनेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो अब हमारे पास में ये बाइडेंटेड से क्या हुआ आपका? ट्राइडेंटेड, एक दो और तीन। तो यदि हमारे पास में EDTA माइनस वन आए तो ये कौन सा हो जाएगा? ट्राई डेंटेड बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे आप? ट्राई डेंटेड। बात समझ में आ रही? इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? ट्राई डेंटेड। अब देखो, अब यदि मान लीजिए यहां से एक हाइड्रोजन और निकाल दिया जाए, दो हाइड्रोजन हो जाए, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकालो, चार्ज आएगा माइनस, ये आया माइनस चार्ज, कितना डेंटेड है? अब ये वाले क्या करेगा? लोन पेयर डोनेट करेगा। तो एक दो तीन चार, चार चार साइट हो गई। अब यहां क्या लिखेंगे? माइनस वन की जगह माइनस टू। तो यदि मान लीजिए हमारे पास में EDTA माइनस टू आए तो क्या बनेगा हमारे पास में? हमारे पास बनेगा टेट्रा डेंटेड। क्या रहेगा हमारे पास में? टेट्रा डेंटेड। बस समझ आ रही है? अब यदि मान लीजिए यहां से एक हाइड्रोजन और निकाल दे, ये लो ये हाइड्रोजन निकाल दिया, एक और माइनस आएगा, ये भी डोनेट करेगा, तीन और दो पांच। तो अब यहां पर चार्ज कितना आया? माइनस थ्री। तो अब यदि मान लीजिए हमारे पास में EDTA माइनस थ्री हो तो हम क्या बोलेंगे? पेंटा डेंटेड। बात समझ में आ रही है? अब यदि मान लीजिए यहां से एक हाइड्रोजन और निकाल लें, माइनस चार्ज आएगा, ये चार के चार हाइड्रोजन आपने निकाल दिए, तो चार्ज कितना है? माइनस फोर। बहुत ध्यान से देखो, चार्ज कितना है? माइनस फोर। EDTA के ऊपर चार्ज है माइनस फोर। कितनी साइड हो गई आपकी? देखो एक यहां से भी जाएगा, चार और दो छह। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे EDTA के ऊपर माइनस फोर की पावर है, तो हम क्या बोलेंगे? हेक्साडेंटेड। अब शायद आपको समझ में आया होगा, समझ गए ना? ये EDTA है, हाइड्रोजन निकालते गए, निकालते गए, निकालते गए।
तो इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आई है, क्या ये एक फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसको आल्सो कॉल्ड, इसको ईडीटीए कहेंगे, बोलेंगे फ्लेक्सिडेंटेड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसी प्रॉपर्टी के कारण, इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको फ्लेक्सिडेंटेड, फ्लेक्सिडेंटेड भी बोला जाता है, बात समझ आ रही है, इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, फ्लेक्सिडेंटेड भी बोला जाता है। अच्छा, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दूसरा फार्मूला आपको बुक में ऐसे भी मिलेगा, ये देखने के लिए मिले, कैसे मिलेगा आपका, तो ये तो है हमारे पास CH2 COO- CH2, ये हुआ नाइट्रोजन, ये हुआ CH2 COO-, ये हुआ CH2, ये हुआ आपका CH2 CH2 COO- CH2 COO-, हो गया। अब देखो, तो ये हमारे पास में इस प्रकार से हमारे पास में ये EDTA का फार्मूला आपको बुक में मिल सकता है। ये भी क्या है आपका, ये है आपके पास में EDTA-4 ही लिखना है, 1, 2, 3, 4, चार साइट ये हो गई, और दो अवेलेबल साइट कौन सी है, एक ये है और एक ये है, यहां से भी ये डोनेट करेगा, लोन पे है तो डोनेट करेगा, तो टोटल हमारे पास में कितनी हो गई, 6। तो ये है आपका इथाइलिन, दो है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, 1, 2, 3, 4 एसिटेट, समझ गए, बिल्कुल नाम देखो, ये हुआ इथाइलिन NH2 अमाइन बोलते हैं, तो ये इथाइलिन डायमाइन टेट्रा 4 एसिटेट, तो टेट्रा 4 इसके लिए टेट्रा लगाया है, 1, 2, 3 और 4 के लिए टेट्रा लगा हुआ है, डाई किसके लिए लगा है, 2 नाइट्रोजन इसलिए डाई लगा है, और आपका इथाइलिन किसके लिए लगा है, इसके लिए लगा है। तो ये हमारे पास में लेक्चर कंप्लीट हुआ, पूरा लिगेंड की जो क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है नोमेनक्लेचर, लेकिन नोमेनक्लेचर के पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको और करना है, तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, जब तक आप अपनों को बहुत ध्यान रखना, खूब नो अच्छे से पढ़ना, कट।